ओम शांति। भगवान उवाच, बच्चे तुम्हारा ये ईश्वरीय जीवन बहुत मूल्यवान है, इसमें ही तुम जन्म जन्म का भाग्य बनाते हो, इस जीवन में ही तुम प्रभु मिलन का सुख लेते हो और बाबा से सर्वस्व प्राप्त करते हो। जन्म जन्म की जो हमारी इच्छाएं थी, जन्म जन्म भगवान से हमने जो कुछ मांगा था, वो इसी समय बाबा आकर पूर्ण कर देता है, तो हम बहुत भाग्यवान भी हैं और हमारा जीवन भी बहुत मूल्यवान है। इसलिए इस जीवन के अनमोल क्षणों को व्यर्थ में नहीं बिता देना है, फ्रेंड्स के साथ गप सप में नहीं बिता देना है। एक एक संकल्प विश्व कल्याण का कार्य करता है। हमारा एक एक सेकंड बहुमूल्य है, जिसमें हम बड़े बड़े बाबा के कार्य कर सकते हैं। हम अनेक आत्माओं को अच्छे वाइब्रेशंस देते हैं, प्रकृति को बदलने के लिए पवित्र किरणें दे सकते हैं। तो अपने जीवन को खुद महत्व दें, आज अंतर्मुखी होकर हमें शांत में बैठकर सोचना है, जितना बहुमूल्य मेरा ये जीवन है, क्या उतना ही मूल्य हम इसको दे रहे हैं, या हमने जीवन को कहीं उलझा दिया है। वो व्यक्ति तो बुद्धिमान है ही नहीं जो टकराव में इस जीवन को व्यतीत करता रहे, जो दुख शांति से न उबर पाए, जो ईश्वरीय प्राप्तियां होते हुए भी स्वयं को उनसे वंचित ही रखे। शांत हो जाएं और चिंतन करें, हम इस जीवन को कैसे बिता रहे हैं। हमारा ये अनमोल समय खुशियों में बीत रहा है, प्रभु मिलन में बीत रहा है, बाबा का कार्य करते हुए बीत रहा है, यज्ञ सेवाओं में बीत रहा है, या हम इधर उधर देख रहे हैं, संसार के पीछे भाग रहे हैं, कंपटीशन में आ गए हैं। हमें याद रखना है, कलयुग के अंत काल में जहाँ काम वासना अपनी चरम सीमा पर है, वहीं लोभ भी शिखर पर है, और ये लोभ मनुष्य को इस रूप से वार कर रहा है कि हमें आवश्यकता है। हमारे फलाने संबंधी ने इतना कमा लिया, उसके बच्चे इस पोजीशन पर पहुंच गए, हम धन की कमी के कारण कुछ भी नहीं कर पाए। पर सत्य तो ये है, धन की कमी नहीं, श्रेष्ठ स्थिति की कमी के कारण मनुष्य कुछ नहीं कर पाता है। अनेक धनवानों के बच्चे भी पूरी तरह गलत मार्ग पर हैं, असफल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को पवित्र नहीं रखा, पॉजिटिव नहीं रखा है। तो हम दुनिया के कंपटीशन से अपने को बाहर निकालें और एक हेल्दी कंपटीशन में आ जाएं कि अनेक ब्राह्मण आत्माएं भी तो भगवान से सर्वस्व ले रही हैं, हम उनसे कंपटीशन करें और उनसे भी ज्यादा बाबा से सब कुछ लेने का प्लान बनाएं, उसका संकल्प करें। तो आज इसी स्वचिंतन में समय बिताएंगे। मैं बहुत महान हूँ, मेरा जीवन बहुत मूल्यवान है, इसका एक एक सेकंड और एक एक संकल्प बहुत बहुत कीमती है, इसमें हमें बड़े बड़े कार्य करने हैं, इस जीवन में हमें वो कार्य करने हैं जो 84 जन्मों में अन्य किसी जीवन में नहीं किए जा सकते,
कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। तो जरा अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें, अमृत वेले का सुख प्राप्त करें, ईश्वरीय महावाक्य सुनते हुए उसमें मग्न स्थिति का सुंदर अनुभव करें और अपनी दिनचर्या से कम 3 बार 15-15 मिनट अवश्य योग अभ्यास का समय निकालें, तो इस जीवन को जीने का आनंद ही अलौकिक हो जाएगा। तो आज सारा दिन महसूस करेंगे ऊपर से बाबा अपनी शांति की किरणों की बौछार मुझ पर कर रहे हैं। ओम शांति।